चाशनी नहीं बनाते इसमें प्रॉपर। मेरे लिए आज का मुद्दा यही है कि ये चाशनी है, ये एडिट तो पूजा जोशी करती है। तो हम सही काजू कतली बना रहे हैं। ओके ओ भाई, ये तो मैटर ही बिगड़ गया। तो ये कुछ ऐसा हो चुका है हमसे, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। सो नॉट गुड मॉर्निंग, नॉट गुड आफ्टरनून, ये है रात और रात के बजे 11। बट आज हम हमारी लाइफ का सबसे महंगा, सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग बनता है, पिछले कुछ दिनों से आई नो प्रॉपर कोई व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हुआ है मुंबई में, तो तबीयत भी कुछ सही नहीं चल रही है। और फंबल करने के लिए सॉरी, बिकॉज मेरे मुंह में चारों तरफ से छाले हो गए, तो मैं लिटरली ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। मैं आज ही बोलती हुई हूँ, ऐसा कोई बोल सकता है, नहीं तो मैं क्या बोलूँ वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इतने दिन से। सो या तो हम बनाने जा रहे हैं काजू कतली, ये तो मैं अब बता रही हूँ। तो हमने लाए हैं कुछ काजू और लेट्स सी क्या करते हैं हम। एक्चुअली मैं नहीं कर रही, सारा प्रोसेस कार्तिक करने वाला है, मैं जस्ट असिस्टेंट हूँ उसमें, ऐसा असिस्टेंट जो कोई काम नहीं करने वाला, सिर्फ देखने वाला है। सो लेट्स सी आज हम क्या गुल खिलाते हैं। ओके, तो मैंने कहा था ना 11 बजे, 11:05 हो रखे हैं। चलो चलते हैं किचन में, लेट्स गो। इतने इतने काजू नहीं पीसेंगे, बहुत डालने पड़ेंगे। ओ माय गॉड, इतने काजूओं का आज हम खात्मा करने जा रहे हैं क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट है, तो पता नहीं हम क्या करेंगे। ओके, तो वैसे तो मैंने मना किया है कि मिक्सी है, काजूओं को अपने आप ही तोड़ देगी, लेकिन होल काजू को अगर हम पीसेंगे तो उसमें से ज़्यादा ऑयल निकलेगा और इसीलिए मिक्सर में कभी भी काजू को एक साथ फुल कैपेसिटी में भी नहीं पीसना चाहिए, पार्ट्स में पीसना चाहिए और उसको टुकड़े पीसना चाहिए। ओके, एक्सपर्ट की राय। वो तो पता चलेगा जब काजू कतली बनेगी। ठीक है, तो हम इसका चूरा बना चुके हैं ऐसे टाइप का। हमने इसको, हमने नहीं, मैंने काम किया है, इससे छाना है इसको और उसके बाद हम बनाएंगे चाशनी। और बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पे फैन चल रहा है। ओके, वैसे तो पहले इसमें पानी डालते हैं फिर शक्कर डालनी पड़ती है। हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, काजू कतली में चाशनी नहीं बनती। तो फिर कैसे, क्या बना रहे हैं इसका? एक्चुअली मैं काजू कतली में हलवाई तो कच्ची शक्कर डालते हैं, पर क्योंकि हमसे ऐसी घोटेगी नहीं तो हम लोग इसमें उसका पेस्ट बना रहे हैं। ये पाउडर रेडी है पूजा की हेल्प से। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग शक्कर तैयार कर रहे हैं, चाशनी नहीं बनाते हैं इसमें प्रॉपर, इसमें हल्का सा पानी डाल के एक पेस्ट बनाते हैं पानी का। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जितना उसको चाशनी ही बोलते हैं, इतना नहीं, चाशनी में कंसिस्टेंसी आती है, ऐसे ऐसे करके चेक करते हैं। जितना काजू होता है उतना ही आपको शक्कर लेनी जरूरी होती है और जितनी उतनी ही शक्कर, इसलिए फिर मर जाओ। प्लीज कंट्रोल, प्लीज लेट द एक्सपर्ट टॉक। जितने काजू होते हैं उतनी आपको शक्कर लेनी होती है और जितनी शक्कर होती है उसका आधा आपको पानी लेना होता है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट आधा किलो के आसपास शक्कर ली है क्योंकि मुझे, मैंने आधा किलो और थोड़े 600 ग्राम काजू हैं, देखेंगे। तो ये 4 कप शक्कर है और इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। तो चाशनी नहीं बनानी पर अगर कोई भी सोचेगा और इसको देखेगा ना तो ये यही बोलेगा बनाता है कि चाशनी ही बन रही है। चुप, चुप। ये चाशनी है गाइस, मेरी नजरों में ये चाशनी है। ओके, मैंने तो बचपन से ऐसी ही चाशनी देखी है। हम लोग घर में मिठाई बनाते हैं मावे की, उसमें ऐसी चाशनी पड़ती है, काटी काटी, मतलब ऐसे बंदी बंदी, वो वैसी नहीं बनी पड़ी है। लेट अस सी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं आज ब्लॉगर ना होकर ऐसा लग रहा है कि ऐसे वीडियो वाला बन चुका हूँ। तो बाकी सब तो ठीक है,
बट प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये चाशनी है कि नहीं है। बस मेरे लिए आज का मुद्दा यही है कि ये चाशनी है, भले पतली हो मोटी हो ऐसे 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 करके देखने वाली हो, पर इसको कहते चाशनी है ना? यस ये चाशनी है। गुड, क्योंकि गुलाब जामुन में कितनी पतली चाशनी पड़ती है तो भी वो चाशनी होती है ना। चाशनी है, ये भी चाशनी तो है। ओवर एक्टिंग करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि ये चाशनी है। ये चाशनी है। थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था ये चाशनी नहीं है, भले वैसे ओवर एक्टिंग में माने। उसको कट कर देंगे। चीटिंग करता है तू। कट कौन करेगा, मैं तो कट नहीं करने दूंगी। चाशनी है। मैं तो कट नहीं करने दूंगी, नहीं मैं कट नहीं करूंगी क्योंकि एडिट तो पूजा जोशी करती है। अब मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, अपन सिर्फ देखेंगे। हाय राम, पता नहीं कैसी काजू कतली खाने मिलने वाली है। अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं इसमें म्यूजिक डालूंगा दुख भरा। बारिश हुई आज। अच्छा तो ये तो ऐसे हो गया, और अब इसको ऐसे करके फेंटना है जोर जोर से, और वो डालना नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी पता चलेगी इसके बाद हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि शक्कर आधा किलो ही लिए और ये 700 ग्राम के आसपास का है, दोनों का लेवल इक्वल होना चाहिए। वो डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई की साइज़ भी अपनी लिमिटेड है। और डालने पड़ेंगे फिर बाद में गांठे पड़ेंगी, इतना तो मेरे को ही पता है। हाँ मेरे को सब बनाने आता है। हाँ कोई बात नहीं, लाइट शक्कर और अच्छी, शुगर वैसे भी कहाँ हेल्दी होती है। चलो हाउ द जोश, वेरी हाई, गुड, उतने ही हाई जो हाई जोश से ना इसको ऐसे ऐसे फेंटना पड़ेगा, तभी इसकी गांठे नहीं पड़ेंगी। और गुड गुड गुड, अब मुझे जल्दी ही इलायची पाउडर की जरूरत पड़ेगी। ये पहले बोलना चाहिए था, अब तो इलायची फूटी गई और काजू कतली में इलायची सच्ची टेस्टी नहीं लगती। दो इलायची प्लीज। मुँह में आएगी यार। दो इलायची। अरे यार पाउडर बनता ही नहीं है, वो मुँह में आने जैसा ही होता है घर पे। तो ठीक है पीस दे। तो अभी तक ये कुछ ऐसी हालत में है। नीचे झुक के स्मेल कर देखेंगे, अब ये चमनी जी है ना, ये अभी इसको अगर ऐसे ऐसे मैं मिक्स करना छोड़ दूँ ना अभी जम जाए तुरंत। तो क्यों मिक्स करना है, अब छोड़ देते हैं ना। घट्ट बनाना पड़ता है भैया, घट्ट प्रॉपर हलवाई चंदू हलवाई को, और वो क्या नाम है घाटकोपर वाला कंदोई, कंदोई को नहीं उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या था, नहीं पुरुषोत्तम कंदोई को टक्कर देने के लिए आ गए हम। उसकी पैकेजिंग देखी थी, उसी पैकेट में पैक करेंगे हम। हाँ तो वो वाला शॉट मैंने डाल रखा अपने चैनल पे, आप जाके देखना वो कैसी निकली थी, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वाह खुशबू तो मस्त रही है यार, वाह 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 मजे आ गए भैया। हम एक नया चैनल खोल रहे हैं, मतलब नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं, कार्तिक हलवाई कंदोई। कंदोई का क्या मतलब बताइए, ये मुझे नहीं पता। कंदोई का मतलब हलवाई होता है गुजराती में। हाँ तो वो मतलब हिंदी और गुजराती और सब मिक्स करेंगे हम, एक आध शब्द मराठी भी ले लेंगे। मराठी में हलवाई को क्या बोलते हैं, मराठी की ऑडियंस भी जानेंगे। हाँ उल्टी क्यों बिछाएंगे, काजू कतली उल्टी ही बिछाते हैं, उल्टी थाली पे ही बिछाना। पर ये है ना सीधी थाली पे बिछाने के लिए, ये नीचे क्यों बिछाएंगे इसको, ये तो आटा बांधने के लिए, ये आटा बांधने के लिए। काजू कतली में आटा कौन बांधता है, ये आटा बनेगा, ये आटा बनेगा। मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बज गए हैं 12, रात के 12 बज रहे हैं, वो पापा सो रहे हैं। हमारे गाँव में शादियाँ होती हैं तो रसोईया जो आता है कंदोई, वो रात को 12 बजे ही मिठाई बनाता है। सीधा सीधा बोल देने का कि मुझे चाहिए ऐसा, है ना।
फिर से बोलना प्लीज थक गया मैं तो। हेलो हेलो गाइस, पीछे वाले गाइस, एक गाइस सो रहे, ठीक है हम दो गाइस ये बना रहे, जल्दी करो। सबसे पहले भगवान जी खाएंगे हमारे, उनके खाने के बर्तन भी हैं छोटे छोटे। अपन टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, टेस्ट करने के लिए नहीं निकल गया। तो टेस्ट तो करेंगे ने, इसको इसमें से निकाल, मतलब इसको इसमें से निकाल दिया है। अब इस पे मैंने घी लगाया था बैठ के, और ये है बटर पेपर। अब हम वेट कर रहे हैं ठंडा होने का। आटा गूंदने वाले थे, उसका क्या हुआ? ठंडा होने के बाद ही घटेंगे ना, गरम गरम होने के बाद। इसका आटा गूंदेंगे और इसकी रोटियां बनाएंगे अब हम। रोटियां नहीं, रोटी। रोटी, एक ही रोटी बनाएंगे, बहुत बढ़िया। एक रोटी बनाएंगे, फिर उसको ऐसे शेप में काट डालेंगे, वो शक्कर पारे काटते हैं वैसे ही, फिर वो काजू कतली बन जाएगी। ये अब मेरे को पता चल गया। तो क्या कहना था, जो हमने स्पून में निकाला था सबसे पहले, वो ये चेक करने के लिए निकाला था कि ठंडा होने के बाद इसको आपको ऐसे उंगली पे लेना है और उंगली से इसको रोल करना है। अगर ये रोल बिना हाथ में चिपके बॉल बन जाता है, इस तरह से बॉल बन जाता है, तो आपकी काजू कतली सही। चलो तो हम सही काजू कतली बना रहे हैं। ओके, बस हमसे इतना ही बिगड़ा है कि उस बटर पेपर पे मैं घी सही से नहीं लगा पाई, इस पे चिपक गया वो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओ ओ भाई, ये तो मैटर ही बिगड़ गया। आराम से अपना तो अब इसको ऐसे करना पड़ रहा है। सही में ये आटा बांधने जैसा ही हो रहा है। इतना कितना ये वो था, पतला था ये, इतना आटा बांधने जैसा ऐसा हो जाएगा, इसने सोचा था क्या? नहीं नहीं सोचा था। थैंक यू, आप तवा चढ़ाओ चलो। हाँ, कभी किसी ने काजू कतली को सेंका होगा? मैंने गुड्डे सेंका है, कुकीज मैंने तवे पे सेंकी है, कभी काजू कतली नहीं सेंकी। मैंने मैंने भी सेंका है, मोहनताल सेंका है। मोहनताल तो सेंकी बना नहीं मम्मी, मैंने जलेबी भी सेंकी है। गरम की है मतलब। और बहुत चीज़ें सेंकी है। हाँ, ऐसे करना पड़ेगा अब ऐसा। गुड, और पतला करना पड़ता है जी। ये भाई, इस घर की हालत आज सच में हलवाइयों के घर जैसी हो गई है। हो रहा है? हाँ, पर गुड, एकदम सही। रोटी नहीं बन जाए, थोड़ा कम पतला करना है। ऐसे मैं बैठ के इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ, तभी तो समझ में आता है बनाने वाले को। यहाँ पहाड़ है ये। गुड गुड। और बने हलवाई बिना पैसे के प्रमोशन कर लिया हमने, आप जा सकते हैं वहाँ पे कोचिंग लेने। इतनी रहा था तो मैं आप प्रमोशन कर ही रही हूँ तो प्रॉपर कर लेती ना।
A1 कॉमर्स अकेडमी, ठीक है? तो ये है वसई में, आप जाना। अच्छा ठीक है, पता चल गया अब मेरे को। सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी, 85% रेडी बोल सकते हैं इसको। बाकी इसको कट करने के बाद पूरी तरीके से दिखाया जाएगा आपको। ये कलाकारियाँ मैंने की हैं, ये चिपक रहा है, ये मैंने ऐसे छोटे छोटे से पेड़े बनाए मेरे लिए, क्यूट है ना? और बाकी की समस्याएं अब ये सामने जो आने वाली हैं आगे, ये सब जो फैलारा किया है वो भी कार्तिक हलवाई ही समेटेगा। हलवाई साहब अपने साथ लाते हैं वो चीज़ों को इधर उधर करने के लिए, है ना? अभी इस हलवाई के साथ कोई है नहीं, तो हलवाई कुछ करेगा। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत है उसी वाले व्लॉग में। तो रात को एक बजे तक हमने ये काजू कतली बनाई और उसको बहुत संभाल के रखा है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो इसमें मॉइस्चर अभी भी बचा है। नहीं जम रही है, ये हलवा ही रहेगा। तो लेट्स सी, इसको काटने जा रहे हैं हम। तो मैंने सोचा ये वाला शेयर करना बनता है, हमने इतनी मेहनत की, बहुत अच्छी भी बनी है, बट वो पीस नहीं बनने वाले हमसे। लेट्स गो। तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इसमें मॉइस्चर बना रहा है, तो अब पता चलेगा इसके पीस बनेंगे कि नहीं। और ये इतनी पतली काजू कतली मतलब सेट नहीं हुई है, तो ये इतने बड़े बड़े मैंने ये जो सब बनाए हैं वो तो भैया ऐसे ही रहने वाले हैं, मतलब ये बहुत, ये देखो तो ये कुछ ऐसा हो चुका है हमसे, इसमें हमारी ज़रा भी गलती नहीं है गाइस। समझ रहे हो? नहीं, फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है कुछ गलती की भी हो। नहीं, पर अभी तक मेरे को लग नहीं रही है, क्योंकि क्या होता है ना, जब रात को इसकी कंडीशन देखी थी हमने तो हमको ऐसा लगा था कि अच्छे से सेट हो जाएगा ऐसा। मॉइस्चर बढ़ गया कुछ बारिश होने के बाद। वैसे तो ऐसी नरम ही आती है काजू कतली, पर इतनी नरम नहीं आती है, पॉइंट ये है। ठीक है, चलो अब आपको पता तो चल ही गया है ऐसा बन रहा है ऐसा। ये मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये काजू कतली मैं नहीं खाने वाली। छोटी सी ट्रे को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या ड्रायर से ये इसका जो मॉइस्चर है वो एवोपरेट होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा, और ये मैं नहीं खाने वाली। नहीं होगा तो हम वो वाली हमारे पास दूसरी बहुत है। काजू कतली बनाने के एक्सपेरिमेंट तक ठीक था, ये बाल सुखाने वाले से ऐसा, ये वैसे ही इस मशीन में से ना ऐसे जली जली सी बदबू आती है मेरे को, अभी भी आ रही है।